जय हिंद सभी को। फिर से आप लोगों को स्वागत है हमारी क्लास में। 8 बजे सुबह आप लोगों को प्रत्येक दिन पॉलिटिकल के साइंस का क्लास होता है, इसमें आप लोग जुड़ना ना भूलें। आज की क्लास में आप लोगों को अनुच्छेद 107 बताया जाएगा, जिसमें आप लोगों को विधेयकों को समाप्त करने और विधेयकों को प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। साथियों, आप लोगों का आज की क्लास में इसकी सारी डाउट को आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। चलिए साथियों, आज की क्लास में देखिए, जो विधेयक होते हैं उसमें सबसे हेड होता है धन विधेयक। कौन होता है? धन विधेयक। जो धन विधेयक होता है वो राजकोष, कौन सा राजकोष जो होता है, संचित निधि होता है, उसको उसी पे उसको रखा जाता है धन विधेयक को। और वित्त विधेयक के संबंध में इसके अधीन कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब तो धन विधेयक जो है या वित्त विधेयक है उसको कोई भी प्रस्तुत कर सकता है जब संसद में हो। संसद में रहेगा तो कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी धन विधेयक या विधेयक बन सकता है। लेकिन उसका कंडीशन है, कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक दोनों सदन पारित ना कर दे। मान लीजिए, जब तक कि राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन जब तक उसको पारित नहीं कर देगा तब तक आप लोग धन विधेयक घोषित नहीं हो सकते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 107 में साफ साफ लिखा गया है कि अगर मान लीजिए आप धन विधेयक बन गए, यानी संचित निधि विधेयक बन गए, यानी वित्त विधेयक बन गए, तो आपको अगर तब तक पारित नहीं हो सकते हैं जब तक राज्यसभा और लोकसभा आप लोगों को पारित ना कर दे। लोकसभा के विघटन पर राज्यसभा में लंबित विधेयक को जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया जा सकता है, पारित किया नहीं जा सकता है, समाप्त नहीं होगा। इसके कहने का मतलब है कि लोकसभा में जितने भी, जब लोकसभा का विघटन हो जाएगा, तब जब लोकसभा का विघटन कब होता है, आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करना है ताकि हमको पता चले कि कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। विघटन कब होता है लोकसभा का, आप लोग कमेंट कीजिए। जब तक लोकसभा में विघटन नहीं होगा, जब तक लोकसभा में विघटन नहीं होगा, क्या चीज होगा? विघटन, विघटन जब तक लोकसभा में नहीं होगा तब तक राज्यसभा में लंबित विधेयकों को जिसे लोकसभा पारित नहीं किया था समाप्त नहीं होगा। जब तक पारित नहीं किया था वो समाप्त नहीं होगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।